चलिए आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि शॉपिंग कार्ट के ऊपर कैसे काम करते हैं। शॉपिंग कार्ट क्या होता है? जैसे ये जो आप ऊपर सेक्शन देख रहे हैं, क्रिएट अकाउंट लॉगिन हेल्प के बगल में एक शॉपिंग कार्ट का ये आइकन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि ये शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है। ठीक है, अब यूज़र क्या करता है, होम पे जाता है, उसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, सामने आते हैं। अब इस प्रोडक्ट को वो ऐड टू कार्ट करेगा। जैसे वो ऐड टू कार्ट करेगा तो शॉपिंग कार्ट में ये आइटम ऐड हो जाएगा। तो देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये देखिए ये आइटम आपका ऐड हो गया। ठीक है, एक आइटम है, उसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। ये डॉलर आ रहा है, इसको चेंज करके हम रुपीज़ अभी बाद में कर देंगे। ठीक है, अब हम वापस क्या करते हैं, होम पे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं होम, ये प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट आइकन के ऊपर। तो अब देखिए, ये आपको शॉपिंग कार्ट एम्प्टी नहीं बता रहा है कि आपका, हाँ, इसमें एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अब इस प्रोडक्ट को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने रिमूव कर दिया, ये शॉपिंग कार्ट आपका एम्प्टी हो गया। फिर से आगे फिर हम होम पे जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि भाई हमारा शॉपिंग कार्ट तो ये आपको एम्प्टी बताएगा। फिर होम पे जाएंगे हम, अब इसमें मान लीजिए मैं ये आइटम ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट। तो देखिए, ये एक आइटम ये ऐड हो गया 20 रुपीज़ का। अगेन फिर मैं आपको होम पे जाता हूँ, अब मैं दूसरा आइटम ऐड करता हूँ, ये देखिए दूसरा आइटम आपका ऐड हो गया, नीचे आ रहा है ये 100 रुपीज़ का। अब मैं फिर से होम पे जाता हूँ, अब मैं सेम यही आइटम फिर से ऐड करता हूँ। तो देखिए क्या करेगा ये उसी में उसने अपडेट कर दिया, मतलब दो आइटम आपने लिए तो इसका प्राइस आपका 200 आ रहा है। ठीक है, अब यूज़र क्या करेगा, जैसे उसको लेट कर लो यही आपको प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं, तो चेकआउट पे जाएगा। चेकआउट पे क्या है, उसका ये शॉपिंग कार्ट इस तरह से आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें ग्रांड टोटल आपको नीचे बताना है कि भाई आपका इतना टोटल हो गया है, मतलब 220 रुपये हो गया, तीन प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसमें आपका डिस्काउंट या डिलीवरी चार्ज कितना है, वो हमें और इसमें एडिट करना है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये शॉपिंग कार्ट दिखा दिया उसको। अब ये फॉर्म बना के दिया हुआ है कि आप अपना शिपिंग डिटेल यहाँ एंटर करिए। बंदा क्या करेगा, यहाँ शिपिंग डिटेल्स अपनी सारे एंटर करेगा और आपका बिलिंग कॉन्सेप्ट जो है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेगा। तो क्रेडिट कार्ड की जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कुछ भी डेमो डेटा डाल देता हूँ अभी, जैसे मैं इसमें कंप्लीट ऑर्डर करूँगा तो ये बताएगा आपका ऑर्डर सबमिट हो गया है, आपका ऑर्डर नंबर 3 है। ठीक है, अब वापस मैं जा रहा हूँ गो टू होम ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से बता देगा कि भाई आपके यहाँ पर इतने 4 आइटम्स हैं। इसको आप ग्राफिकल वे में देखना चाहते हो तो होम पे जाके आपके ग्राफिकल वे में बता रहा है। ये अभी मैंने क्या किया है, एक लिंक बना के दिया है ऑल प्रोडक्ट्स, तो आपको टेबलर फॉर्मेट में आपको सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके आप इस तरह से भी ला सकते हो, जैसे आप ग्रॉसरी में जाते हो इस तरह से भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इस तरह से हम कैसे डिस्प्ले करेंगे इस वाले सेक्शन को, ऑल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी जो है हमारा शॉपिंग कार्ट है ये अभी एम्प्टी है, ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से भी ये ऐड हो जाएगा। फिर ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ये ऐड हो गया। फिर अगेन ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, फिर अगेन ये वाला, तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया ये। ठीक है, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है वो ये है कि आपका सेशन का इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, सेशन में डेटा सेव करते हैं। तो यूजिंग सेशन टू सेव डेटा इन द शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, तो ये मैंने एक आपका ट्यूटोरियल इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम जो होता है एमवीसी के ऊपर काम करता है। एमवीसी का मतलब ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब इसमें मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होते हैं, इसके बारे में ये छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है नीचे, शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट, मॉडल रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ डेटा, मतलब हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है, क्लास बनानी पड़ती है। तो नीचे आप यहाँ अभी देखेंगे पूरा ट्यूटोरियल है, इसमें आपका क्लासेस बना के दी गई हैं। तो ये बेसिकली दीज क्लासेस आर द मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं।
डेटाबेस से हमारा डेटा आएगा, उसको मेमोरी में हमें मॉडल के अंदर रखना पड़ता है। देन अब उस मॉडल के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, काम क्या करते हैं भाई, उसको हम लोग मेमोरी में स्टोर करके उसको प्रोसेस कराते हैं। तो प्रोसेस कराने की जो जिम्मेदारी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंट्रोलर की होती है। ये कंट्रोलर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये कंट्रोलर क्या करता है, उसको कुछ प्रोसेस करके, जैसे शॉपिंग कार्ट में डेटा ऐड करना है, रिमूव करना है, ठीक है, डेटाबेस में फिर सेव करना है, तो ये सारा चीज़ कंट्रोलर करता है। कंट्रोलर एक सर्वलेट होता है। तो हमें यहाँ पर क्लास का यूज़ करना है पहले तो मॉडल के में, और कंट्रोलर का मतलब होता है सर्वलेट का यूज़ करना है, और लास्ट में होता है व्यू। व्यू होता क्या है, जो आपका JSP पेजेस होते हैं वो व्यू। तो व्यू क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई यूज़र को हमें डेटा डेटाबेस से निकाला, मॉडल के अंदर रख लिया, कंट्रोलर ने उसके ऊपर कुछ काम किया, अब उसको रिजल्ट दिखाना है, तो वो JSP पेज पे हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि तो भाई यहाँ पर आपका डेटा, ये देख लीजिए आपका ये डेटा शो हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी एप्लीकेशन में तीन चीज़ें बनानी हैं। एक तो क्लास बनानी है, एक सर्वलेट बनाना है, और एक JSP पेजेस बनाना है। उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा क्लास बनाना है, आइटम। आइटम बेसिकली क्या है, वो आइटम है जो हमें कार्ट में ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन प्राइस और क्वांटिटी वगैरह लेके हम एक आइटम बना लेंगे। अभी कैसे बनाना है आपको, अपने आप प्रोजेक्ट में जाइएगा। प्रोजेक्ट में देखिए, ये आपका शॉपिंग कार्ट आ रहा है या सुपर मार्केट आ रहा है। इस सुपर मार्केट में मैंने आपको क्या किया था, एक सोर्स पैकेज के अंदर जाके एक API क्लास बनाया था, देखिए। ठीक है, तो इसमें राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है, क्लास पे जाएंगे, जावा क्लास। यहाँ पर आपको आइटम लिखना है, जो नाम आपका यहाँ मैंने दिया हुआ है वही सेम नेम आप लिखेंगे, आइटम डॉट जावा। ठीक है, आइटम लिखिएगा, डॉट जावा अपने आप लगा लेगा। तो ये मैंने क्लास पहले से बना ली है, ये देखिए, ये आपका आइटम डॉट जावा क्लास है। तो इसके अंदर की जो कोडिंग है वो मैं आपको भेज दूंगा, पूरी जिप फाइल बना के भेज दूंगा। तो ये कोडिंग आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो ये कोडिंग आप, ये वर्ड फाइल में मैंने दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बिलिंग डॉट जावा, एक आपको बिलिंग डॉट जावा क्लास बनानी है। तो सेम उसी तरह से API के ऊपर राइट क्लिक करिएगा, न्यू पे जाइएगा, जावा क्लास पे जाइएगा, API यहाँ पर नाम दे, सॉरी, बिलिंग आप क्लास दे दीजिएगा उसका नाम, और देखिए ये आपकी बिलिंग क्लास है, ये आपकी बिलिंग क्लास है, ठीक है। जैसे आपकी आइटम क्लास थी, ये देखिए, ये आपकी आइटम क्लास है, सेम उसी तरह से ये बिलिंग क्लास है। इसमें क्या होगा, जो यूज़र होगा उसकी बिलिंग की डिटेल्स आपकी स्टोर होगी, मतलब क्रेडिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन। तीसरी क्लास हमारी बनेगी इसमें, मतलब तीसरा जो मॉडल बनेगा वो बनेगा शिपिंग, मतलब कस्टमर का जो ऑर्डर होगा वो शिपिंग मॉडल के अंदर स्टोर होगा। तो अब इसका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री कोड, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल आपकी शिपिंग में स्टोर होगी। तो इसमें भी फिर वही करना है, राइट क्लिक करेंगे, API के ऊपर न्यू जावा क्लास, जावा क्लास में हम इसका नाम शिपिंग दे देंगे, और ये देखिए आपकी शिपिंग डॉट जावा क्लास ये क्रिएट है। इसमें भी वही आपकी कोडिंग है, इसमें भी हमें एक मॉडल तैयार करना है कि भाई यूज़र का जो यूज़र ID या सिटी या स्टेट है। फिर इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, फिर इसमें हम गेट सेट मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये सारे आपको मेथड्स मैंने बनाए हुए हैं, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका, अब मेन क्लास है आपकी क्रिएटिंग द शॉपिंग कार्ट क्लास। शॉपिंग कार्ट क्लास जो होती है, इसके अंदर आपका जो डेटा हम लोग या प्रोडक्ट कोई लेते हैं, तो शॉपिंग कार्ट के अंदर जो स्टोर होता है वो मेन ये क्लास उसको होल्ड करेगी, ठीक है। तो अब ये भी क्या करना है आपको, इसको भी शॉपिंग कार्ट में जाना है, मतलब API पे राइट क्लिक करना है और न्यू क्लास जाना है। तो ये देखिए, शॉपिंग कार्ट मैंने एक मॉडल बना लिया, ये एक मॉडल है बेसिकली, इसके अंदर आपका शॉपिंग कार्ट का पूरा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। इसकी कोडिंग है, नेक्स्ट क्या है आपका, इसकी भी कोडिंग मैंने दे दी है।
अब इसमें एक क्लास यूज़ हुई है शॉपिंग कार्ट एक्सेप्शन, देखिए ये वाली एक्सेप्शन क्लास यूज़ हुई है, तो उसके लिए फिर एक क्लास और बना लीजिएगा शॉपिंग कार्ट एक्सेप्शन, छोटी सी क्लास है ये, बस ये आपके 300 लाइन का कोड है। तो ये भी क्या करना है आपको, इसी पैकेज एपीआई के अंदर जाके राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास पे जाना है, और आपको एक शॉपिंग कार्ट एक्सेप्शन नाम से एक आपको क्लास बना लेनी है। नेक्स्ट है इसमें, अब कंटेंट शॉपिंग कार्ट के जो कंटेंट्स होता है उसको डिस्प्ले करना है। तो इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, इसमें हमें आपको जेएसपी पेज बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले शॉपिंग कार्ट डॉट जेएसपी, ठीक है। तो अब ये जो शॉपिंग कार्ट डॉट जेएसपी पेज होता है वो सेशन से डेटा उठाता है। देखिए आप ये हम क्या करेंगे, सेशन से डेटा उठा रहे हैं, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट शॉपिंग कार्ट। तो अगर शॉपिंग कार्ट में कोई डेटा पड़ा है तो वो कार्ट के अंदर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये किसका ऑब्जेक्ट है, शॉपिंग कार्ट का ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर बनाया था, ये शॉपिंग कार्ट, ये शॉपिंग कार्ट है। तो इस मॉडल के अंदर हमें क्या करना है, डेटा उठा के लाना है कहाँ से, सेशन के अंदर से। अब आपको पहली बार में तो सेशन में डेटा होगा नहीं, तो ये आएगा नहीं, ये नल आएगा, तो देखिए ये नल आया, जैसे नल आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, शॉपिंग कार्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इस शॉपिंग कार्ट के अंदर हम जो भी आइटम्स होंगे वो गेट करेंगे, देखेंगे कि इसमें आइटम्स है कि नहीं, तो कार्ट डॉट गेट आइटम्स, ठीक है। तो जैसे आइटम्स इसमें आएंगे तो हम चेक करेंगे कि अगर उसका साइज 0 है तो हम बोलेंगे कि भाई आपका कार्ट एम्प्टी है, आपको एक मैसेज आ रहा था मैंने जब आपको डेमो दिया था साइट के ऊपर, जिसमें आपको आ रहा था कि ये शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी, तो आपको ये मैसेज आ जाएगा। अगर उसमें साइज 0 नहीं होगी तो आपकी क्या होगी, वो सारा आपको जो शॉपिंग कार्ट का डेटा है वो टेबलर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा इस कोड की वजह से, ठीक है। तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, ये शॉपिंग कार्ट पे जो आपको आ रहा है ये इस तरह से आएगा। अब है एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स, मतलब ये जो आइटम आपको आ रहा है इसमें जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, इसी प्रोडक्ट को दोबारा जब ऐड करेगा, और मान लीजिए ये प्रोडक्ट है तो उसको रिमूव करेगा, एक ये बटन है आपका, ये आपका जो ये बटन है आपका रिमूव, तो इस पर जब क्लिक करेगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बेसिकली मान के चलते हैं इसमें क्या कह रहा है, एडिंग एंड रिमूव आइटम। तो ऐड कैसे करना है, अब ऐड करने का मतलब ये होता है कि जैसे सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड टू शॉपिंग कार्ट पे क्लिक किया या तो इस पे क्लिक किया, ये बटन्स जो आ रहे हैं इसी पे भी क्लिक किया, तो होना क्या चाहिए आपका, अब बेसिकली ये जो है शो प्रोडक्ट कैटलॉग करके, बेसिकली ये जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दिख रहा है ये ऐड करने से पहले का आपका पेज है। तो अब ये बेसिकली हमने बना लिया है, होम पेज बना लिया है, हमने क्या किया हुआ है इसमें, ये पेज एक आपको अलग से बना के दिया हुआ है, आप ये लिंक देखोगे, आप ये देखिए ये लिखा हुआ है ना ऑल प्रोडक्ट्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज जो आ रहा है ना, ये पूरे प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली आ रहा है आपका इस कोडिंग से, शो प्रोडक्ट कैटलॉग। तो ये शो प्रोडक्ट कैटलॉग क्या है, आपका पूरा डेटाबेस से डेटा उठा के आपको ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे आ रहा है ये देखिए, ये आपका आउटपुट आएगा। अब जैसे आप इस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो अब इसमें आपको सर्वलेट बनाना है। अब ये जो होता है ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, आपको एक सर्वलेट बना, आप सर्वलेट कैसे बनाते हैं इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, मतलब आपको एपीआई के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा, आपको वेब पेजेस में जाना है, ये वेब पेजेस जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना है और सर्वलेट पे क्लिक करना है। तो जैसे सर्वलेट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको जो नाम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा एड टू शॉपिंग कार्ट सर्वलेट, ये वाला नाम। तो ये देखिए मैं जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा, यहाँ पर जो नाम दूंगा वो आपसे पूछेगा कि भाई ऐड टू शॉपिंग कार्ट, ये मैं इस तरह से नाम ले लेता हूँ,
कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं वन दे देता हूँ लेट कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको ये वाला बट चेकबॉक्स है उसको चेक करना पड़ेगा और फिनिश कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे पेजेस ऐड करना है। देखो ऐड टू शॉपिंग कार्ट सर्वलेट जो है ये पेज मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो इसकी कोडिंग आपकी है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसका काम क्या होगा, ये सेशन के अंदर आपका जो आइटम होगा उसको ऐड कर देगा। नेक्स्ट क्या है, अब बेसिकली ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग है ये जो एक क्लास अलग से है, ये भी एक मॉडल क्लास है। अब ये क्लास क्यों बनाई गई है, क्योंकि हमें आइटम्स जो हैं, ये देखिए आप, मैं बताता हूँ, ये आइटम्स आपके डेटाबेस में हैं। डेटाबेस में भी चार आइटम्स हैं, मान लीजिए हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स डेटाबेस में हैं, तो हमें बार बार डेटाबेस से साइट से डेटाबेस पे ना जाना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा डेटाबेस का रिकॉर्ड उठा के हम क्लाइंट की मशीन पे ले आते हैं या रैम के अंदर ले आते हैं। तो रैम के अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कैटलॉग, ये प्रोडक्ट कैटलॉग क्या करेगा, पूरा डेटाबेस से उठा के आपको मेमोरी में कॉपी कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनानी पड़ती है। एरे लिस्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट टाइप की होगी, इसमें आइटम्स होंगे, इन आइटम्स, इस आइटम्स के अंदर ये देखिए, ये इसकी कोडिंग है, ये तो आपको हटाना है, इसमें ये इन्होंने टेम्प्रेरली बनाया था, तो मैं डेटाबेस से मैंने उठा के इसको अपडेट किया हुआ, तो ये डेटाबेस की कोडिंग लगी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट उठा के ये देखिए आपका, ये प्रोडक्ट के अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं आइटम्स डॉट ऐड पी, दिख रहा है आपको, एक प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आइटम्स में ऐड करते जा रहे हैं। आइटम्स क्या है, ये एक एरे लिस्ट है, ऊपर देखिए ये आपके एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट। तो इसके अंदर हमारा डेटा पूरा जो रिकॉर्ड होंगे सर्वर के, वो इस आइटम्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से फिर काम करेगा आपका, मतलब स्पीड फास्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट की। तो ये आइटम्स आपके इसमें आ गए, अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं, गेट आइटम्स हैं आपके, ठीक है, रिमूव आइटम एक करके एक फंक्शन होगा, आइटम अवेलेबल हो गया, एक रिमूव आइटम भी होगा, फाइंड आइटम हो गया, ये सब आपके क्या हैं, कंट्रोलर मेथड, सॉरी मॉडल मेथड्स हैं जो आपके हम लोग साइट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पूरा डेटाबेस में जो भी प्रोडक्ट्स है उसको कॉपी किया। अब हम वापस इसको शो प्रोडक्ट कैटलॉग को फिर से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, देखिए ये सेकंड पेज गलती से आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने फिर से क्या किया हुआ है, उसको मॉडिफाई किया हुआ है उसको, तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, तो ये मैंने मॉडिफाइड ही आपको दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा आपको, सारे प्रोडक्ट्स आपको आपके साइट पे दिखाएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, प्रीवियस और नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, कि अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो और प्रीवियस पेज पे आना चाहते हो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब आपके ज़्यादा होंगे तो आपको ये लिंक्स दिखाई पड़ेंगे। अभी आपके लिंक्स नहीं आ रहे हैं इसमें, क्योंकि तो आपके चार ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका, ये सोर्स कोड मॉडिफाई हुआ है आइटम डॉट जावा के अंदर। क्यों क्यों मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब आइटम क्लास बनाई थी उसमें सिर्फ क्वांटिटी तक हमने एक मॉडल तैयार किया था, उसमें ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लिया था। ये देखिए ये ऑर्डर क्वांटिटी है, आप सबसे ऊपर जाओगे आप, इसमें देखिए सिर्फ क्वांटिटी तक है। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि क्योंकि अलाउइंग मल्टीपल क्वांटिटीज, होता क्या है, जब मैंने आपको बताया कि अगर बंदा इसी को दोबारा क्लिक कर रहा है, इस प्रोडक्ट को बार बार क्लिक करेगा, तो उसकी क्वांटिटी एक एक करके बढ़नी चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए इसकी क्वांटिटी 3 हो गई है, फिर इसी पर क्लिक करूँगा तो इसकी क्वांटिटी 4 हो गई है। तो अब इसके लिए हमें क्या किया, हमने ये कोड थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसमें एक हमने ऑर्डर क्वांटिटी लिया हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी को हमने यहाँ पर उसको प्लस कराया हुआ है, ठीक है। और आप इसको देखोगे,
ये आप देखो, ये कोडिंग आपकी किसमें, शॉपिंग कार्ट के अंदर, ये हमें कोडिंग में थोड़ा सा अपडेशन किया हुआ, इसमें प्लस कराया हुआ, तो वो एक एक प्लस होता जाएगा, तो इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो जो साइट है मैंने आपको जो बनाई है, आपके इसमें जो कोडिंग हुई है वो मैंने सारी अपडेट करके ही भेजी है या भेजूंगा मैं आपको। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो समझने के लिए मैंने आपको यहाँ अलग से दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका, आपको आइटम रिमूव करना है शॉपिंग कार्ट से, आइटम रिमूव करना। जैसे मान लीजिए ये आपको आइटम आ रहा है, इस आइटम को आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो जैसे आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो देखिए एक आइटम आपका रिमूव हुआ, फिर आप रिमूव करोगे तो दो, सिर्फ दो आइटम बचे, ऐसे करते करते ये आइटम सारा आपका गायब हो जाएगा, एक भी आइटम नहीं बचा। तो ये कोडिंग जो हुई है वो कैसे हुई है, इसका एक सर्वलेट बनाया हुआ है। तो सर्वलेट क्या करेगा, उसमें से एक एक माइनस करता जाएगा, प्रोडक्ट को आपको हटाता जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोडिंग आपकी है, तो ये भी सर्वलेट है। तो सर्वलेट हमने बताया आपको, एपीआई पे राइट क्लिक नहीं करना है आपको, वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू बनाना, सर्वलेट पे जाएंगे, सर्वलेट का नाम दे दीजिएगा, रिमूव आइटम, रिमूव शॉपिंग कार्ट आइटम, देखते हैं नाम क्या है इसका, रिमूव आइटम सर्वलेट, तो ये नाम दे दीजिएगा और ये कोडिंग पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द ऑर्डर। कंप्लीटिंग द ऑर्डर के लिए हमें आप चेकआउट डॉट जेएसपी पेज बनाना है। तो ये भी सिंपल है आपको, इसमें जाएंगे हम जो वेब पेजेस है इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू करेंगे, जेएसपी पेज लेंगे, चेकआउट डॉट जेएसपी पेज, देखिए चेकआउट डॉट जेएसपी पेज, इसकी भी कोडिंग मैंने कर दी है। तो चेकआउट डॉट जेएसपी पेज होता क्या है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो, ये चेकआउट नीचे एक लिंक आ रहा है, तो ये चेकआउट जेएसपी पेज आता है, ये फॉर्म बन के आ जाएगा। जैसे आप इस पर एड्रेस वगैरह और क्रेडिट कार्ड डिटेल भरोगे तो ये कंप्लीट ऑर्डर करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जैसे हम प्लेस करेंगे इसमें, तो ये डेटाबेस में अभी नहीं जा रहा है, सिर्फ रैम के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट उसमें हम इसको डेटाबेस में भी ले जाएंगे, ठीक है। अभी डेटाबेस में नहीं जा रहा है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आपके सिर्फ मेमोरी में, ठीक है। तो उसकी कोडिंग आपकी ये है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे चेकआउट के ऊपर तो ये फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो ये चेकआउट सर्वलेट पे जाएगा, देखिए चेकआउट डॉट सर्वलेट। अब ये सर्वलेट पेज हमें एक और बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जाइए, सॉरी ये वेब पेजेस पे राइट क्लिक करिए, न्यू सर्वलेट, चेकआउट सर्वलेट, ये मैंने देखिए बनाया हुआ है चेकआउट सर्वलेट, ये चेकआउट सर्वलेट, इसकी कोडिंग आपकी है। अब ये क्या कर रहा है चेकआउट सर्वलेट, ये सिर्फ रैम में डेटा स्टोर कर रहा है, अभी कहीं डेटा बेस की कोडिंग नहीं हुई है, देखिए इसमें, ठीक है। तो अभी डेटा बेस की कोडिंग लगाएंगे तो जो आपका चेकआउट हुआ है वो सीधा आपका डेटा बेस में जाएगा। तो यहाँ पर हमें टेबल बनानी पड़ेगी चेकआउट वाली, ठीक है, और इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। मतलब हमने एक बिलिंग टेबल तो बना ली है, ये बिलिंग टेबल आपको दिख रही है, और एक आपकी ये देखिए बिलिंग टेबल में आपको बता देता हूँ, बिलिंग टेबल में आपकी ये फील्ड्स हैं और एक है शिपिंग टेबल, शिपिंग टेबल टेबल में आपकी ये डिटेल है, यूज़र आईडी, नेम, एड्रेस, ये। तो इसमें अभी यह डेटा कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि डेटाबेस की भी कोडिंग हुई नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें एक दो टेबल और बनेंगे, ठीक है, तो वो आप इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी क्या करना है, चेकआउट जो आपका सर्वलेट है वो उसमें चेकआउट कर देगा और ये कंफर्मेशन पेज पे भेज देगा, ये देखिए शो कंफर्मेशन पेज। जब आप चेकआउट करोगे तो ये आपको देखो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स कन्फर्मेशन के ऊपर आपको भेज देगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर शॉपिंग कार्ट की जगह आपका शो कंफर्मेशन डॉट जेएसपी आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि कोड जो मैं यहाँ से, इसकी फाइल जो आपको भेजूंगा, ये वाली जो मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें से सोर्स कोड कॉपी करिएगा आप। हो सकता है कि इसमें इस कोड में जो वर्ड की जो फाइल है इसमें सोर्स कोड थोड़े से एरर्स हों इसमें, तो वो करिएगा नहीं आप, ठीक है। तो चलिए आप इस पे इतना काम करिए, आपका ये 2-3 दिन का काम है ये, फिर मैं 1-2 दिन में फिर फाइनल एक और आपका एक वीडियो भेजता हूँ जिसमें आपको डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे। थैंक यू।